इस वक्त की बड़ी खबर सितारगंज से, जहां भाजपा प्रत्याशी सौरव बहुगुणा ने बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी सौरव बहुगुणा ने कांग्रेस प्रत्याशी नवतेज पाल को हरा दिया। भाजपा से दूसरी बार चुने गए विधायक सौरव बहुगुणा सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के विकास पर मतदाताओं ने मोहर लगा दी है। आपको बता दें, भाजपा के सौरव बहुगुणा ने लगभग 11,687 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। तो आखिरकार भाजपा ने सितारगंज में परचम लहरा दिया है। मातृशक्ति का, सितारगंज के बुजुर्गों का, युवाओं का, मैं सबका धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने बहुत प्यार के साथ मुझे फिर से नवाजा है और मुझे भारी मतों से जिताया है सितारगंज से, और एक बार सितारगंज की फिर से सेवा करने का मौका दिया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड का, हमारे कोर कमेटी सदस्यों का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने बहुत परिश्रम करके, मेहनत करके इस जीत को हासिल किया है, और उम्मीद करूंगा कि ये प्यार मोहब्बत मेरे साथ हमेशा। मुझे अधिक पार्टी ने जितना सम्मान हमको एक युवा होते हुए दो बार मुझे टिकट देके और मुझे सितारगंज का नेतृत्व करने का मौका दिया, ये सम्मान मेरे लिए बहुत है। पार्टी के फैसले पार्टी शीर्ष नेतृत्व करती है, इसमें मेरा कुछ नहीं। जनता का धन्यवाद है, आभार है, पार्टी का धन्यवाद है, संगठन का, प्रधानमंत्री मोदी जी के पूरी लहर है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, और इस क्षेत्र से बड़ा लगाव है। मैं यहाँ से मुख्यमंत्री रहा और आज दोबारा स्वागत जीते हैं, तो मैं धन्यवाद दूंगा जनता का और विश्वास दिलाता हूँ सितारगंज जी ने, पूरे उत्तराखंड जनता का, कि जो मोदी जी ने केदारनाथ में कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उस दिशा में हमको काम करना है। उत्तराखंड और मंत्री जी, मैं भगवान का और जनता का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि जनता ने मुझे इसी योग्य चुना। कहावत है कि जब से प्रदेश का निर्माण हुआ है तब से कोई शिक्षा मंत्री चुनाव नहीं जीता। इस मिथक को भी गदरपुर की महान जनता ने तोड़ते हुए मुझको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, और मैं जनता का धन्यवाद देता हूँ और यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं यह विश्वास आप लोगों के दिल में हमेशा के लिए बनाऊँगा। कोई आधे अधूरे या दो चार पाँच साल का मेरा प्रयास नहीं है, बिल्कुल आप लोग यकीन कीजिएगा कि कहीं से कहीं तक आपके मन में ऐसा लगे कि आप ठगे गए, ये हालात जीवन में कभी पैदा नहीं होने दूंगा। और इसे प्रदेश के अंदर बहुत ऐसे ऐसे ऐतिहासिक कार्य करने हैं कि जो जनता ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सरकार उत्तराखंड की जनता ने पहले तय किया था कि जो गुड्डा गुड़िया का खेल होता है इससे बचना है, और डबल इंजन पर विश्वास करते हुए, मोदी जी पर विश्वास करते हुए, मोदी है तो मुमकिन है यह विश्वास करते हुए लोगों ने कमल के फूल पे प्रचंड बहुमत के साथ वोट डाला और बीजेपी की सरकार बनाया है। मैं जनता का, प्रदेश की जनता का धन्यवाद।